बढ़ते आगे, सीएम मनोहर लाल खट्टर के राजनीतिक सचिव दीपक मंगला ने पलवल में रविवार को लगभग 45 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग से बनाई जाने वाली गलियों और नालियों का नारियल फोड़कर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष जवाहर सिंह और निगरानी कमेटी के चेयरमैन मुकेश सिंगला भी मौजूद रहे। शहर के गणमान्य लोगों और पार्षदों ने दीपक मंगला का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। दीपक मंगला ने कहा कि सीएम के कुशल नेतृत्व में आम लोगों की गलियों और नालियों को पक्का करने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। इस अवसर पर वार्ड निवासियों ने उनके समक्ष विकास कार्य संबंधी कुछ मांगे रखी, जिन्हें शीघ्र पूरा करने का दीपक मंगला ने आश्वासन दिया। आज हमारे इस पलवल विधानसभा क्षेत्र और पलवल नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 का जो हरिनगर का एरिया है, यहाँ की 4-5 सड़कों का आज यहाँ उद्घाटन हुआ है। लगभग 45 लाख रुपए के विकास कार्यों की आज यहाँ शुरुआत हुई है। आप देख ही रहे होंगे यहाँ इस बस्ती में जो बहुत समय पहले सड़क बन जानी चाहिए थी, जो नहीं बनी, वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो विकास राशि हमें दी है, उनके आशीर्वाद से आज इन गाड़ियों का निर्माण हो रहा है। आप देख भी रहे हो कितना उत्साह का वातावरण है यहाँ के रहने वाले लोगों में। निश्चित तौर पर इन गलियों के निर्माण से यहाँ आने जाने में सुविधा होगी, यहाँ के आमजन को बहुत राहत मिलेगी। मैं इसके लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत बहुत पलवल क्षेत्रवासियों की तरफ से धन्यवाद और अभिनंदन।